चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आईपीएल 2023 का रोमांचक मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में तो लग रहा था कि राजस्थान की टीम या पंजाब के ऊपर अपना दबदबा बना के रखेगी, लेकिन दोस्तों यहां पर पंजाब की टीम ने तो राजस्थान के खिलाफ 20 ओवर में 197 रन जड़कर उनके सामने लक्ष्य रख दिया 198 रनों का। इस मुश्किल मैदान पर 198 रन बना पाना एक बड़ी चुनौती थी राजस्थान की टीम के लिए। हालांकि पंजाब की टीम 197 रन तक पहुंच पाई, वो भी बस मात्र शिखर धवन की पारी की बदौलत, क्योंकि शिखर धवन ने इस मैच में प्रभसिमरन सिंह के साथ मिलकर जो 90 रनों की साझेदारी की थी वो काफी किफायती साबित हुई। यहां पर प्रभसिमरन सिंह ने 60 रन बनाए और 7 चौके और 3 छक्के इस बीच उन्होंने लगाए थे अपनी पारी में। हालांकि यहां पर शिखर धवन की बात की जाए तो शिखर धवन ने 9 गेंदों में 3 चौके 3 छक्कों की बदौलत 86 रनों की पारी खेली, बाकी कोई भी बल्लेबाज 30 से ज्यादा रन बना ही नहीं पाया। भले जितेश शर्मा ने 27 रन की पारी जरूर खेली थी, जैसा कि आप यहां पर पूरा स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों अब पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की टीम को मैच जीतना था तो 198 रन बनाने की बेहद ही जरूरत थी। और यहां पर जब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन उतरे तो यहां पर यशस्वी जायसवाल को अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर अर्षदीप सिंह ने चलता किया, जो कि 11 रन बनाकर आउट हुए। और यशस्वी जायसवाल के आउट जाने के बाद फिर दूसरा झटका रविचंद्रन अश्विन के रूप में लगा, जो कि 0 रन पर ही चलते बने। अब दोस्तों बारी थी जॉस बटलर की, जो अपनी टीम को अकेले बलबूते पर ही मैच जिता सकते थे संजू सैमसन के साथ मिलकर। लेकिन दोस्तों यहां पर जॉस बटलर को नाथन एलिस ने फंसाया, तो वहीं संजू सैमसन का विकेट भी नाथन एलिस ने लेकर यहां राजस्थान की टीम के होश उड़ाकर रख दी। और इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम पिछड़ती हुई नजर आई, लेकिन दोस्तों अंत में सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरेल ने जरूर मैच को पलटने की कोशिश की। यहां पर सिमरन हेटमायर 36 रन बनाकर रन आउट हुए, तो वहीं ध्रुव जुरेल ने 15 गेंदों में 32 रन जड़कर यहां लगभग राजस्थान की टीम को जीत के नजदीक पहुंचा ही दिया था। लेकिन दोस्तों इस रोमांचक मैच में राजस्थान की टीम को 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। और हार के बाद कप्तान संजू सैमसन ने कहा, हमें आज जैसा मैच खेलना चाहिए था हमने उस प्रकार का खेल दिखाया ही नहीं। पहले तो हमने पंजाब की टीम से इतने रन बनवा दिए इस मैदान पर कि इस पर पार पाना हमारा